नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल। देख रहे हैं आप देश का सबसे विश्वसनीय शो वंदे मातरम। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और पूरे देश की निगाहें भारत के सबसे बड़े प्रादेशिक चुनावी युद्ध पर है। इस जंग में अभी से सियासी तरकश से तीर निकलने लगे हैं। वोट बांटने की कोशिश में कहीं नफरत के बीज बोए जा रहे हैं तो कहीं साजिशें की जा रही हैं। साम दाम दंड भेद का प्रयोग इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले चुनाव में भगवा ब्रिगेड ने सबका सफाया कर दिया और इस बार भी सियासी पार्टियों को ऐसी ही सुनामी आने का डर सता रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे पहले वो खबर जिसके जरिए आप ये जान सकेंगे कि किस तरीके से प्रदेश के कुछ शहरों में नफरत फैलाने की कोशिशें की गई, लेकिन उन कोशिशों को योगी सरकार ने नाकाम कर दिया। कांधला कहराना करने वाले बर्बाद। यूपी में योगी का अंदाज जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में नफरत की सियासत को पनपने न देने की कसम खाने वाले गोरखपुर के महंत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। वो कांधला और कैराना जहां मुस्लिम बाहुल जनसंख्या होने और नफरत जीवियों की साजिशों की वजह से हिंदू परिवार पलायन करने लगा था, अब वहां पर हालात बदल रहे हैं। आज पूछिए उन परिवारों से, उन महिलाओं से, कि आज भी कोई कैराना बनाने का दुस्साहस कर पा रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? क्या आज कोई कैराना की बात कर सकता है क्या? कैराना और कांधला में लगभग जो 8% हिंदू रह गए थे, आज 67% हो गए। फिर से ये नए आंकड़े आपके सामने हैं। जाकर के वहां पूछा जाना चाहिए और तब फिर बताना चाहिए। नफरत जीवियों ने ऐसा माहौल बना दिया था कि हिंदू परिवार को कांधला और कैराना को छोड़कर जाना पड़ रहा था, लेकिन सूबे के सीएम का डंडा चला और फिर नफरत जीवियों का पलायन चालू हो गया। ये योगी का हंटर ही था कि कैराना और कांधला कराने वाले मंसूबे जड़ से समाप्त हो गए। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि फिर से ऐसी नापाक हरकत को अंजाम दे सके। आज पूछिए उन परिवारों से, उन महिलाओं से, कि आज भी कोई कैराना बनाने का दुस्साहस कर पा रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? क्या आज कोई कैराना की बात कर सकता है देश में? क्या आज कोई कैराना की बात कर सकता है क्या? कैराना और कांधला में लगभग जो 8% हिंदू रह गए थे, आज 67% हो गए। फिर से ये नए आंकड़े आपके सामने हैं। जाकर के वहां पूछा जाना चाहिए और तब फिर बताना चाहिए। साल 2016 में जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सांसद हुकुम सिंह ने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया और 346 ऐसे लोगों की सूची जिला प्रशासन को सौंपी थी जिन्हें डराया धमकाया जा रहा था और जो मजबूर होकर कैराना से पलायन कर गए। उसी सूची पर समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन जब योगी की सरकार आई तो कैराना में रंगदारी मांगने वाले खास वर्ग के खिलाफ वारदात को अंजाम देने वाले और अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर योगी का हंटर चला और कैराना और कांधला में आज अमन और चैन है। आजकल एक ऐसे भाईजान हैं जो बहुत गुमान में घूम रहे हैं। एक राज्य के चुनाव में उन्होंने चंद सीटें क्या जीत ली, वो समझ रहे हैं कि हर राज्य में सत्ता की चूल्हे हिला सकते हैं। इनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। खुद को लैला कहते हैं, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में एक अदद मजनू के लिए परेशान है और उन्हें मजनू मिल भी नहीं रहा। अब वही हैदराबादी भाईजान पहुंच रहे हैं प्रयागराज, शायद यही पूछने कि लैला से संगम करेगा कौन। हम हिंदुस्तान में किराएदार नहीं, हिस्सेदार हैं। हम हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं, बराबरी के शहरी हैं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक
तीनों को मिला दोगे साथी, उत्तर प्रदेश की सियासत तेरे हाथ में होगी। सब विपक्ष इकट्ठा हो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। भारत की संस्था पर प्रहार करने वाले लोग नहीं चाहते थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। उड़ने से पहले लुट गई ओवैसी की पतंग। जब आंधी चलती है ना, छोटे मोटे खरखतवार ऐसे उड़ जाते हैं। कोई आईन के हुकूक मुझसे नहीं छीन सकेगा। न जाने क्या क्या देखने और सुनने को मिले। नहीं मिला किसी का साथ, कैसे लड़ेंगे जंग। दो मुसलमानों, हिंदुस्तान में हम किराएदार नहीं हिस्सेदार है। सब पवित्र करने भाईजान पहुंचे संगम। हम भी टीम नहीं है, हम भी टीम नहीं है, हम वो टीम है। हम तराजू का वो पल्ला है कि जिसका साथ देंगे वो तख्त पर बैठ जाएगा, हम जिसका साथ छोड़ देंगे वो तख्ते पर लेट जाएगा इंशाल्लाह। 100 सीट पर लड़ेंगे, 95 जीतेंगे, हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। हम उत्तर प्रदेश में किंग मेकर हैं, हमारे बिना अब यूपी की सियासत का रंग फीका है। कुछ ऐसा ही मिजाज है आजकल हैदराबादी भाईजान का। उनके ख्वाब बड़े ऊंचे हैं, जैसे बंगाल में उन्होंने ख्वाब देखे थे, अब उत्तर प्रदेश में भी वही ख्वाब लेकर आए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के वालिद असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में मजहबी तकरीर के दम पर भगवा राज का खात्मा करने आए, लेकिन यहां उन्हें यूपी की सियासत में उसी तरह से कोई साथी नहीं मिल रहा जैसे उन्हें बंगाल में नहीं मिल रहा था। कहने का मतलब, कोई लैला से संगम को तैयार नहीं। इस तरह से लोग आएंगे वोट काटने के लिए, लेकिन जनता होशियार है, जनता आप जानती है। लैला से राजभर की कुट्टी, मौका देखकर मारेंगे पलटी। साइकिल पर चढ़ने से पहले टीपू ने दिया लैला को धक्का। अब भगवा ब्रिगेड करेगी नफरत जीवी का इलाज पक्का। चाहे राहुल गांधी हो, मोदी हो, ममता हो, या आपके येदुरप्पा हो, या फिर आपके कि जितने सेकुलर पार्टी, सबसे बड़ा हिंदू कौन है। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। ओवैसी को उत्तर प्रदेश की सियासी पार्टियां नकारती जा रही हैं, लेकिन हैदराबाद से अपनी पार्टी को निकालकर बिहार में 5 सीटों पर फतह करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी के हौसले ऐसे उबाल मार रहे हैं कि वो देश में होने वाले हर एक विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का जोर आजमा लेना चाहते हैं। और उसी को देखते हुए हैदराबादी भाईजान अब प्रयागराज पहुंचकर तकरीर करने वाले हैं। सवाल उठता है कि प्रयागराज में ऐसा क्या है कि मुस्लिम वोटों और मजहबी तकरीरों पर अपनी सियासत करने वाले असदुद्दीन ओवैसी इस धर्म नगरी की ओर कूच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रयागराज से AIMIM को आखिर क्या हासिल होने वाला है। और मेरा दूसरा नाम भड़काऊ भाषण है, क्या करते, किसी की माँ नहीं जनी मेरी जबान को रोक सके। ओवैसी को हिंदुओं के लिए पवित्र प्रयागराज में नफरत के बीज बोना आसान लगता है। ओवैसी सीधे भगवा ब्रिगेड को चुनौती देने के लिए संगम को केंद्र बनाना चाहते हैं। प्रयागराज से बोलते हुए पूरे प्रदेश के मुस्लिमों से मजहबी संवेदना जगाने की कोशिश होगी। प्रयागराज में 85.69% हिंदू है और 13.38% मुस्लिम वोटर हैं। ओवैसी का निशाना सिर्फ प्रयागराज नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के मुस्लिम हैं। दरअसल सियासत के दो ध्रुवों में अगर ओवैसी की राजनीति कहीं बसती है
तो उस पार्टी के खिलाफ ही बसती है जिसकी पहचान केसरिया ध्वज को बताया जाता है, हिंदुत्व के एजेंडे को बताया जाता है। अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ। हिंदुस्तान में हम किराएदार नहीं हिस्सेदार हैं। जब बंगाल के चुनाव चल रहे थे उसी समय से ओवैसी ने यूपी में 2022 की जंग के लिए शतरंज की चाल चलनी शुरू कर दी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शतरंज में उनके खिलाफ खेलने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद थे। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को गले लगाया, उनके साथ खड़े होकर मुस्लिमों के साथ साथ दलितों को नेता बनाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में राजभर बीजेपी के पाले में चले गए और ओवैसी हाथ मलते रह गए। कहने का मतलब, कोई लैला से संगम को तैयार नहीं। तो ये समझते हैं कि मुसलमान हो या राजभर हो या दलित हो या बैकवर्ड क्लास हो, उसका तोड़ हमारे जेब में है। नहीं, अब तुम्हारी जेब में कोई चीज नहीं रखा गया है। यूपी की सियासत में उतरने के साथ ही AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से एक एक करके पार्टियां छिटकने लगी हैं। कोई भी दल चिमटे से भी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छूना नहीं चाहता। मतलब साफ है कि लैला के साथ कोई संगम करने को तैयार नहीं, और लैला मजनू चिल्लाते हुए प्रयागराज में घूमने आ रही है। कुछ नहीं करते और आप सिर्फ एक धोखा और फरेब की इनकी हमेशा सियासत रही है, उसी पर बीजेपी चल रही है। बीजेपी की हालत खराब है और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदार तमाम जनता अब की बार इस चुनाव में बीजेपी को इंशाअल्लाह ताला शिकस्त देगी। दरअसल लैला को गुमान हो चला है असदुद्दीन ओवैसी ही वो मुस्लिम चेहरा है जो मुसलमानों की आवाज बनता है और संसद में शेर की तरह दहाड़ मारता है। लेकिन इस शेर को उत्तर प्रदेश की सियासत में बिल्ली बना दिया गया। सिर्फ एक विधायक की पार्टी ने हैदराबादी शेर को बिल्ली बना दिया। पश्चिमी यूपी के दौरे के 5 जिलों के दौरान अकेले ही मैदान में उतरने वाले असदुद्दीन ओवैसी को जब राजभर का साथ नहीं मिला था, उसी वक्त लगने लगा था कि राजभर और ओवैसी में बन नहीं रही है। और अब खबर है कि ये इकलौता गठबंधन भी हैदराबादी लैला गंवा चुकी है। कहने का मतलब, कोई लैला से संगम को तैयार नहीं। ऐसा कहा जाता है जिसने यूपी की बाजी जीत ली वो केंद्र की सियासत का बाजीगर बन जाएगा। इसीलिए अब सबसे ज्यादा दांव उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर लग रहा है। 2022 में विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा का चुनाव। इसीलिए सबकी नजर इस बात पर है कि अगर यूपी के विधानसभा चुनाव में जीत मिली तो लोकसभा के गुणा भाग का अंदाजा मिल सकता है। इसीलिए चुनाव से ठीक पहले हिंदू मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने की जुगत शुरू हो चुकी है। कई इलाकों में नफरत के सौदागर सक्रिय हो गए हैं जो मुसलमानों को भड़काकर समाज को बांटने का खेल खेल रहे हैं। यूपी की सियासत में खुलने लगा शहर।
एक तरफ ओवैसी नफरत फैलाने आ रहे हैं। दूसरी तरफ एसपी नेता भड़काने में जुट गए हैं। मुसलमानों को भड़काएंगे, सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। कितनी लड़ाई होंगी जेल में, कितनी लड़ाई होंगी कोर्ट में, अगर भी हो जाएंगे सर भी फट जाएंगे, चाकू भी लग जाता, मगर कोई हमारे पास नहीं आता। समाजवादी पार्टी के संभल से विधायक नवाब इकबाल महमूद का बयान सुना आपने, कैसे मुसलमानों को उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं। वैसे ये इस तरह की हरकत करने में काफी मशहूर है। ताजा बयान में देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री तक को लपेट लिया। अब इन्हें आपत्ति क्या है वो सुनिए और समझिए, कैसे नफरत का इंजेक्शन मुसलमानों को लगा रहे हैं। सबसे बड़ा कौन है? राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस हिंदू है, हिंदुस्तान के जितने भी सूबे हैं सबका चीफ जस्टिस हिंदू है, और क्या चाहिए दोनों के लिए। हम तुमसे कम मांग रहे हैं, हमें बना दो। इकबाल महमूद हाथों को हिला हिलाकर, आंखों को मटका मटका कर, संजीदगी का लबादा ओढ़कर मासूम मुसलमानों को बरगला रहे थे। उन्होंने हिंदू पीएम, हिंदू प्रेसिडेंट तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी मुस्लिम रह चुके हैं। भला वो ऐसा क्यों बताएंगे, क्योंकि उन्हें तो मुसलमानों को भड़काना था, सियासी आग में झोंकना था, इसीलिए ध्रुवीकरण के खेल में जुट गए। उन्हें इस बात पर भी आपत्ति थी तो मुसलमान वोट देते वक्त अपनी समझ का इस्तेमाल न करें, बस ये देखें कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो जाएं, जिससे बीजेपी जीत न पाए। सोच लो, बहुत गौर करिए, आपके लिए इत्तेहाद और दिमाग बहुत जरूरी है, अगर आपने दिमाग से काम नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान। इकबाल महमूद को आपने सुन लिया, अब सवाल ये उठता है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह भी बताएं। जरा उससे पहले बंगाल में टीएमसी नेता नुसरत जहां का एक बयान सुनिए और उसे इकबाल महमूद के बयान से जरा मिलाकर देखिए, जवाब मिल जाएगा, बाकी हम तो समझा ही देंगे। बीजेपी सरकार जेखने आशे सेखने किंतु माइनॉरिटी दे उल्टो गिनती शुरू हो जाए। नुसरत जहां ने बंगाल में वही किया जो इकबाल महमूद यूपी में करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों का डर एक ही है कि कहीं मुसलमान न बट जाए, क्योंकि मुसलमान अगर बटा तो समाजवादी पार्टी के अरमान अधूरे रह सकते हैं। हालांकि बंगाल में नुसरत जहां और दीदी मुसलमानों को साथ लाने में कामयाब हो गई, लेकिन कुछ वक्त के लिए हालात खराब हो ही गई थी जब ओवैसी की एंट्री हुई थी। बिरजादा ने भी पार्टी बनाई थी, कहीं ओवैसी ऐसा खेला यूपी में न कर दे, इसलिए समाजवादी पार्टी ने इकबाल महमूद जैसे नेताओं को मुसलमान भड़काऊ एजेंडे की कमान सौंप दी है। ओवैसी जैसे लोगों को भड़काने का काम, मुलायम सिंह ने ये कर दिया और अखिलेश ने ये कर दिया, आप तो खुद आजमाए हुए हैं, आपने खुद देखा है, आपने तो खुद वोट दिए मुलायम सिंह जी को, आपने तो खुद वोट दिए प्रोफेसर को, क्या बुरा किया आपके साथ, अच्छा किया या नहीं बुरा किया, ये भड़काने की बात है। सोचिए, अकेले ओवैसी से इतना खौफ है, उस ओवैसी से जिसका यूपी में कोई जनाधार भी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी को लगता है अगर ओवैसी ने बिहार जैसा खेला यूपी में कर दिया तो बीजेपी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता, इसलिए मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश एंड कंपनी ज्यादा ललायित है। लेकिन ये बात जो योगी आदित्यनाथ जी ने कही कि लोग अब ये समझ गए कि हिंदू सुरक्षित है तो मुस्लिम सुरक्षित है, मुस्लिम सुरक्षित है तो हिंदू सुरक्षित है, ये बात लगता है उन दंगाई लोगों के और उन दंगाई पार्टियों के दिमाग में घर कर गई, इसलिए इस तरह का बचकाना बयान दिया है। उधर कांग्रेस के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही ध्रुवीकरण की बड़ी खिलाड़ी है। भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य विरोधी दल हो, इन सब की सोच में कहीं ना कहीं धर्म और जाति है। कांग्रेस पार्टी आज की डेट में गांव गांव जा रही है, पांव पांव जा रही है, नगर नगर जा रही है, डगर डगर जा रही है, और सांप्रदायिक एकता के लिए, सद्भाव के लिए, रोजगार परक विकास के लिए और महिलाओं के प्रति सम्मान के लिए काम कर रही है। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन विषाद काफी पहले से ही पिछने लगी है।
ओवैसी इस साल तीसरी बार यूपी पहुंच रहे हैं। ठीक बंगाल की ही तरह बंगाल में लैला का सियासी खेला चल नहीं पाया, लेकिन यूपी की सियासत एकदम अलग है, इसलिए लैला को भरोसा है कि वो कुछ खेल कर सकते हैं। ऐसा ही सोचना दूसरी पार्टियों का भी है, खास तौर से समाजवादी पार्टी ओवैसी को लेकर ज्यादा भयभीत है, इसलिए उसने मुसलमानों को लामबंद करने के लिए अपने खेमे के भड़काऊ भाईजान को उतारना शुरू कर दिया है, जो ध्रुवीकरण के खेल में माहिर है। बस एसपी का जोर इस बात पर है कि कहीं मुसलमान बट न जाए। अगर बटा तो इस बार भी अखिलेश की हसरतों का बंटा धार है और बीजेपी का बेड़ा पार है। उत्तर प्रदेश की सियासत की बात है तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो डिस्कस होने चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, जल्द लौट रही हूं। इस सियासत की बात हो और किसानों की चर्चा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिलहाल तो देश में किसान आंदोलन के नाम पर नए नए चेहरे सियासी मुखौटा लगाए घूम रहे हैं और कोशिश भी हो रही है कि किसी तरह से उन्हें भी 2022 में बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिल जाए। देखिए कैसे। किसान पर जारी है सियासत का घमासान, कंधा किसान का, बंदूक राजनीति की। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में तमाम विपक्षी पार्टी के नेता जंतर मंतर पर किसानों के बीच में पहुंचे थे। सियासत के लिए इच्छा है, संसद में हंगामा करना है और सड़क पर नाटक करना है। जिस कृषि कानून को संसद ने पास किया है उसी को रद्द करने के लिए ये सांसद जंतर मंतर पर अलग से संसद लगाने चले थे। टिकैत बकैत और किसानों के डकैत, किसान के नाम पर सियासी पार्टियां काम पर। पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहां पे वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं और यहां पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन दे रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में किसानों के रहनुमा बनने की कोशिश में राहुल गांधी कभी ट्रैक्टर पर सवार हो जाते हैं तो कभी जंतर मंतर पर पहुंचकर टिकैतों और चढ़ूनियों के साथ उन्हीं की बोली में संसद से पास कानून की मुखालफत में उतर जाते हैं। ये सब सियासी पैतरे हैं। 2022 में यूपी में चुनाव जो है, फर्जी किसानों के साथ कांग्रेस साइकिल आई मौका भुनाने। किसान वो केंद्र बन चुका है जहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को 2022 का दरवाजा दिख रहा है और किसान आंदोलन के नाम पर अपनी सियासी तकदीर बनाने निकले कथित किसान नेताओं को पॉलिटिकल लॉन्च पैड दिख रहा है। यही वजह है कि राकेश टिकैत दिल्ली छोड़कर बार बार लखनऊ पहुंच जाते हैं और जब जब लखनऊ पहुँचते हैं हंगामा करा जाते हैं। लखनऊ में भी आएंगे, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, आएंगे लखनऊ। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, उनके हाथ से समर्थन पत्र प्राप्त किया कि वो टिकैत के आंदोलन के साथ हैं। टिकैत को समाजवादी छात्र सभा ने समर्थन पत्र सौंपा। आम आदमी के स्टूडेंट विंग AISA ने भी समर्थन पत्र दिया। SFI, NSUI, RLD ने भी राकेश टिकैत को समर्थन पत्र सौंपा। लैला बिछड़ी तो अखिलेश को मिले टिकैत, ओवैसी फरार, अब टीपू टिकैत बनेंगे यार। दिल्ली से निकाला तो लखनऊ में टिकैत टिकैत। जब दिल्ली में टिकैत का तंबू उखड़ने लगा, जब टिकैत की अगुवाई में चल रहे आंदोलन की आड़ में अय्याशी सामने आने लगी तो राकेश टिकैत ने सियासत की नई सुपारी ली उत्तर प्रदेश की। इससे पहले बंगाल में राजनीतिक सुपारी लेकर पहुंचे राकेश टिकैत ने अब लखनऊ का रुख किया है और योगी के मुकाबले में बुआ और बबुआ के प्रचार में जुट गए हैं। सरकार तो पहले भी आई, मायावती की सरकार में आंदोलन हुए तो 80 रुपए गन्ने का रेट बढ़ा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बना उसके उसमें आंदोलन हुए तो 50 रुपए के आसपास बढ़ा। क्या योगी सरकार इतने कमजोर है, योगी जी के दोनों से कमजोर है कि 1 रुपया भी नहीं बढ़ा पाएंगे?
इधर किसानों का मुद्दा गर्म है तो रोटियां सेकने के लिए समाजवाद का ठेका उठाए घूम रहे अखिलेश यादव भी मैदान में कूद पड़े और कहीं भी जाते हैं तो किसानों की बात करना नहीं भूलते हैं और ये भी याद दिलाते हैं कि किसानों के नाम पर देश में सबसे ज्यादा अगर किसी ने जेल की यात्रा की है तो वो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। आज भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जा रही है तो उन्हें ये कहना चाहिए कि 2017 में हमने ये किसानों को, गरीबों को, नौजवानों को वादे किए थे, वो आज पूरे क्यों नहीं हुए? क्योंकि पूरे वादे नहीं हुए, इसीलिए ध्यान हटाने के लिए लगातार अगले 2-3 महीने आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में है, किसान के आंदोलन में न जाने कितने हमारे समाजवादी साथियों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, न जाने कितनों को जब कभी भी किसान यात्रा निकाली होगी, कार्यक्रम हुए होंगे, देश में शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी हुई होगी जिसके ऊपर इतने मुकदमे होंगे। समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। हिंदुस्तान के दो देखिए किस तरह से यहाँ पे गुंडागर्दी की जा रही है, देखिए साफ तौर पे किस तरह से यहाँ पे किया जा रहा है, आप सामने देखिए साफ तौर पे इनके लोग हैं जो हम राकेश जी से बात करना चाहते हैं। बस एक सवाल, सियासत का यही बल है जिस पर टिकैतों को कूदने का मौका मिलता है और यहाँ तक धमकी देने का मौका मिलता है कि वो लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। लखनऊ को भी दिल्ली बना जाएगा, लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं ऐसे ही सील होंगे, उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। एक तरफ टिकैत सियासी पार्टियों के साथ गलबैया कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 2022 को साधने की कोशिश में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ जब उनसे जी हिंदुस्तान सवाल करता है जो जी हिंदुस्तान को अपने गिरे बाँ में देखने की नसीहत देते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, जी हिंदुस्तान अपने गिरे बाँ में झांके, आपको एक आगम है, आपको हमको इंटरव्यू नहीं देना, आप जबरदस्त चाहते हो। हम भी किसान नेताओं की गिरेबा में झांक कर आए हैं और ऑपरेशन अय्याश जीवी में उनकी कलाई खोल दी। किस तरह से दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के नाम पर फर्जी किसानों के किराए पर लाया जाता है, उन्हें अय्याशी का लालच दिया जाता है और दिल्ली को जोड़ने वाले हाईवे बंद रखे रहने की साजिश की जा रही है। लगता है टिकैत का यही प्लान लखनऊ के लिए भी है, लेकिन टिकैत को पता नहीं कि उत्तर प्रदेश में योगी का शासन है, जिनका हंटर चलता है तो अच्छे से अच्छा माफिया भी माफियागिरी छोड़ देते हैं। सांस्कृतिक तौर पर बंगाल उत्तर प्रदेश से भले ही अलग हो, लेकिन इस वक्त जो सियासी हवा है वो कुछ वक्त पहले हुए बंगाल चुनाव की याद दिलाती है, क्योंकि वहां पे भी दीदी ने भी समाजवाद का झांसा दिया और उत्तर प्रदेश में अखिलेश एंड कंपनी भी ऐसा ही कर रही है, यानी समाजवाद का सिर्फ दर्शन है, हकीकत तो कुछ और ही है। वो बंगाल था, ये यूपी है और यही यहाँ का समाजवाद है जो डिंपल यादव बता रही हैं, जो यूपी के सीएम रह चुके अखिलेश यादव की धर्म पत्नी है। कन्नौज को इत्र की नगरी कहा जाता है, लेकिन वहाँ की फिजा में डिंपल यादव नफरत वाले गोल घोल रही हैं। मंच पर खड़ी थी, हाथ में माइक था, सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखकर अति उत्साह में आ गई और फिर आओ न देखा ताव और योगी सरकार को ठोक डालने का फरमान दे डाला। डिंपल यादव की ये तेवर सिर्फ चुनाव के आसपास ही देखे जाते हैं, लगातार दूसरी बार कहीं सत्ता हाथ से न चली जाए इसलिए पूरा जोर लगाया जा रहा है, फिर चाहे ठोकने की बात बोलें या फिर योगी सरकार को उखाड़ फेंकने की। ऐसे लोग, ऐसी सोच है जो लोगों को बात नहीं करने का काम करती है,
अब सवाल ये उठता है कि ऐसे समाजवाद के दम पर अखिलेश यादव 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, जिस समाजवाद में ठोकने पीटने की बात हो, नफरत फैलाने का मंसूबा हो, समाजवादी पार्टी के नेता मुसलमानों को भड़काने की बात करते हो, तब भी अखिलेश यादव 400 सीटें जीतने का ख्वाब संजोते हैं, तो फिर उनकी इस हसरत को 100-100 सलाम है, क्योंकि ये दावा उन्होंने महान समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र के जन्म दिवस पर किया था। इस सरकार ने काम नहीं किया है, केवल झूठ बोला है। और आने वाले समय में बहुमत की सरकार समाजवादी बनेगी, और जिस तरह का माहौल है, जनता 400 सीटें हराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को। ये भी खूब रही, अखिलेश यादव समाजवादी नेता समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य जनेश्वर मिश्र के आदर्शों पर चलने की सौगंध खाकर साइकिल यात्रा पर निकले और समाजवाद से ज्यादा बीजेपी को कोसने का भाषण देते रहे। भारतीय जनता पार्टी हटे, परिवर्तन की साइकिल है सर, ये परिवर्तन की है, नई दिशा की है, नई उम्मीदों की साइकिल है। शायद अखिलेश यादव समाजवाद का मतलब भूल गए हैं, अगर न भूले होते तो उन्हें अपना कार्यकाल भी जरूर याद रहा होता, जहां गुंडा राज से यूपी थर्रा रहा था। ऐसा हम नहीं कह रहे, बीजेपी कह रही है, और अखिलेश के 400 सीटों वाले बयान पर तंज भी कस रही है। अब वो 351 से 400 तक ही पहुंच गए हैं, आप देखना कुछ दिनों में वो कहेंगे मुझे 540 मिल रही हैं और 543 बोलूंगा, क्योंकि वो लोकसभा में इतनी होती हैं, उनको कुछ दिनों में ये भी दिखने लगेगा। खैर, सियासत में हर बात का कुछ मतलब होता है, कोई बात बेवजह नहीं होती। अब सवाल तो इस बात पर उठाया जा रहा है कि जनेश्वर मिश्र के जन्म दिवस पर भी अखिलेश ने यूपी चुनाव अभियान की शुरुआत की, कहीं ऐसा तो नहीं जनेश्वर मिश्र के सहारे समाजवादी पार्टी ब्राह्मण कार्ड खेल रही हो, यूपी की जनता को यह संदेश देना चाह रही हो कि वो यूपी के ब्राह्मणों को भूले नहीं है, जैसे कि जनेश्वर मिश्र भी उन्हें याद है। अब ये अलग बात है कि अक्सर ऐसी यादें चुनावी मौसम में ही आती है, और फिलहाल तो यूपी के सियासी मौसम में ब्राह्मणों को लेकर खूब खेला हो रहा है। फिलहाल वंदे मातरम में इतना ही, कल फिर से होगी तय वक्त पर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। तालिबानी जहर हिंदुस्तान में असर, जिहादी जमात की बेटियों पर नजर, जाहिल और जिहादी लाएंगे बर्बादी, हिंदुस्तान में कितने तालिबान, देखिए सरफराज सैफी के साथ राष्ट्रवाद रात 8:57 पर।